बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफआईए की आटा और चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है, जिसने मुल्क के वजीर आजम इमरान साहब, जो कि काबीना को चेयर करते हैं, वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब, जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार को मुजरिम करार दे दिया है। इमरान साहब का कोई भी झूठा ट्वीट या हुकूमती तर्जुमान की कोई भी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस हकायक को मसख करके पाकिस्तान की आवाम से हकायक छुपा नहीं सकते। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की गर्दान करके, इल्जाम लगाकर और तोहमतें लगाकर अब अपनी चोरी छुपा नहीं सकते। हकीकत यह है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में किसी की जुर्रत नहीं थी कि वह पाकिस्तान की आवाम के हक पर डाका डाल सके। और हकीकत यह भी है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने एक रुपए की न चीनी और आटा एक्सपोर्ट किया और न उसके ऊपर सब्सिडी दी। इमरान साहब ट्वीट इस बात पर करें कि क्यों आपने, जब मुल्क के अंदर किल्लत थी, आटा और चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी, सब्सिडी दी और उसी दौरान में डॉलर प्राइस को इंक्रीज किया, होर्डिंग कराई और लोकल मार्केट में प्राइसेस को इंक्रीज करके पाकिस्तान की आवाम को महंगा आटा और चीनी फरोख्त किया। इमरान साहब मदीना की रियासत में यह बताएं कि कब जो आटा और चीनी चोर वजीर आजम है उसको हथकड़ी लगेगी। वजीर आला पंजाब जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार को नायब चेयरमैन कब गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि इमरान साहब मुल्क में इस बात की नजीर नहीं मिलती कि मुल्क का वजीर आजम और वजीर आला पंजाब मुल्क के अवाम का आटा और चीनी चोर हो। हुकूमती तर्जुमान से मेरी दरख्वास्त है कि वो एफआईए की रिपोर्ट के पीछे भागने से बेहतर है कि कोरोना के मरीज, कोरोना के मुतासरीन, गरीब अवाम, दिहाड़ीदार मजदूर के ये बताएं कि उनको राशन कब मिलेगा। वो सड़कों के ऊपर मारे मारे फिर रहे हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा। अपनी उस हिकमत अमली का ऐलान करें और दूसरों के ऊपर तोहमतें लगाना, झूठ बोलना बस कर दें, क्योंकि इसका ऑलरेडी